दोस्तों, अगर आप ITI MMTM यानी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस ट्रेड से करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आखिर इस ट्रेड का करियर क्या क्या है, आपको इस ट्रेड से ITI करने के बाद में कहां कहां जॉब लग सकती है, इस ट्रेड के अंतर्गत आपको क्या सिखाया जाता है, इस ट्रेड को करने के लिए आपकी कितनी फीस अदा करनी पड़ सकती है, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों, मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन पर। दोस्तों, जहां तक बात करते हैं MMTM ट्रेड यानी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की, तो ये एक ट्रेड बहुत ही विशेष ट्रेड है। वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ITI में बहुत सारी ट्रेड हैं, चाहे फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो अथवा और भी ट्रेड है, लेकिन इनमें MMTM मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेड से ITI करना चाहते हैं तो इस ट्रेड की जो कोर्स अवधि होती है वो आपकी 2 वर्ष की होती है, और जहां तक शाखा की बात करते हैं, ब्रांच की, तो ये इंजीनियरिंग ब्रांच की ट्रेड है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। इसका संचालन NCVT के द्वारा किया जाता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आखिर इस ट्रेड में प्रवेश के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। तो इस ट्रेड में प्रवेश के लिए योग्यता जो निर्धारित की गई है वो केवल 10th पास आपका अनिवार्य है। 10th कल किसी प्रदेश में इसकी जो प्रवेश योग्यता है वो 10th PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में अनिवार्य की गई है, लेकिन कहीं कहीं प्रदेशों में केवल अगर आपने हाई स्कूल पास भर कर लिया है तब भी आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि आखिर इस ट्रेड के अंतर्गत आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि आखिर किस ट्रेड में कार्य क्या होता है, क्योंकि कभी कभार होता यह है कि किसी के बहकावे में अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से अथवा किसी के माध्यम से जानकारी मिल गई कि ये ट्रेड बहुत अच्छी है, और आपको जानकारी ही नहीं है कि उस ट्रेड में सिखाया क्या जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आखिर उस ट्रेड में जो सिखाया जाता है क्या वाकई आपको उसमें इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट अगर उसमें नहीं है तो आप उस ट्रेड में आप अपना 100% कैसे दे पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जिस भी ट्रेड से आप ITI करने जा रहे हैं तो सबसे उसका सिलेबस देखना जरूरी है कि आखिर इस ट्रेड में सिखाया क्या जाता है, कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं, किस प्रकार की जॉब लगती है और कैसे जॉब पाते हैं। ये सभी जानकारी आपको फिलहाल गाइडलाइन हब के माध्यम से, जो ITI ट्रेड इन्फो नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उससे आप सर्च कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो ITI की ट्रेड हैं वहाँ पर उनकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। फिलहाल आते हैं MMTM यानी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस ट्रेड के बारे में। तो इस ट्रेड के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की जितनी भी मशीनें होती हैं, सेपर, प्लेनर, NC, CNC, ग्राइंडिंग, जितनी भी मैकेनिकल ब्रांच की मशीनें होती हैं, उनको कैसे मरम्मत किया जाए, उनको कैसे बांधना होता है, कैसे खोलना होता है, कैसे उनकी देखरेख करनी होती है, ये सभी जानकारी आपको दे दी जाती है। लुब्रिकेशन और कूलेंट की विशेष रूप से जानकारी दी जाती है। बेसिक रूप से आपको वेल्डिंग की जानकारी और बेसिक रूप से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रीशियन की बेसिक जानकारी दी जाती है, क्योंकि आपको मैकेनिकल काम करना होता है, तो मैकेनिकल काम करना होता है तो उसमें भी आपको कुछ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, तो आपको इग्नोर कैसे करना है, कैसे आपको छांटना है कि ये काम हमारा नहीं है, तो विशेष रूप से बेसिक जानकारी आपको इसमें दे दी जाती है इलेक्ट्रीशियन की। आजकल जो चलन चल रहा है हाइड्रोलिक प्रणाली का, तो हाइड्रोलिक प्रणाली का कैसे उपयोग करना है, कैसे उसकी मेंटेनेंस करना है, कैसे उसकी संरक्षण करना है, ये सभी जानकारी आपको हाइड्रोलिक प्रणाली की भी आपको इस ट्रेड के अंतर्गत दी जाती है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि आखिर इस ट्रेड में प्रवेश लेने के लिए कितनी फीस आपको पड़ सकती है, यानी ITI करना तो आप चाहते हैं इस ट्रेड से, तो आपको कितनी फीस आपको इसमें देनी पड़ेगी। तो वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस ट्रेड का संचालन लगभग प्राइवेट सेक्टर में ना के बराबर होता है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट सेक्टर की किसी भी ITI कॉलेज का चयन करना पड़ सकता है। पहले तो ये जो ट्रेड होती थी, ध्यान देने योग्य बात दोस्तों ये है कि जो MMTM ट्रेड पहले जो संचालित होती थी वो मिलराइट नाम से ट्रेड संचालित होती थी। इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है तो MMTM कर दिया गया है, यानी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। पहले ये मिलराइट नाम से संचालित होती थी, तो जो पहले के लोग करते थे उनको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आपको ये जो ट्रेड का नाम बदला गया है, बीच में ये ट्रेड बंद भी कर दी गई थी, कुछ विशेष कारणों की वजह से बंद कर दी गई होगी, लेकिन जो फिर से इसकी डिमांड इतनी अच्छी ज़्यादा इस ट्रेड की है, फिर से इस ट्रेड को स्टार्ट किया गया है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज में ही आपका इसमें प्रवेश होता है, जाहिर कि गवर्नमेंट सेक्टर में फीस जो है ना के बराबर ही पड़ती है, लगभग 2,000 से 3,000 से 4,000 अप्रॉक्स आपका इसमें खर्चा आ सकता है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि आखिर MMTM यानी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस से ITI करने के बाद आप जॉब कहां कहां पा सकते हैं।
ये जानना आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होता है कि मैं आखिर जिस ट्रेड से आईटीआई कर रहा हूँ, क्या उस ट्रेड का करियर कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मैं जॉब पा सकता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं वीडियो की तरफ कि MMTM ट्रेड से आईडिया करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं। इस ट्रेड से आईडिया करने के बाद लगभग सभी प्रकार की औद्योगिक जो कारखाने होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो अथवा प्राइवेट सेक्टर का हो अथवा पब्लिक सेक्टर का हो, किसी भी प्रकार के औद्योगिक कारखाने हैं उनमें मिल रहा है ट्रेड की जॉब लगती ही लगती है। दूसरा जो होता है एरोस्पेस व एरोनॉटिक्स में, यहाँ भी आपकी MMTM ट्रेड की वैल्यू रहती है और वहाँ भी जॉब निकलती रहती है। भाभा, DRDO, इसरो आदि, इन सभी में भी आपकी जो जॉब है MMTM ट्रेड की वो समय समय पर निकलती रहती है। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। विशेष रूप से आपको गौर करना है कि इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में आप इंडियन रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं। लोको पायलट में ये एक ट्रेड बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मानी गई है। अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो लोको पायलट आप आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि आप फार्म उसमें डाल सकते हैं। टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, वहां भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन लोको में असल में होता यह है कि लोको पायलट बनने के लिए सभी ट्रेडें उसमें मर्ज नहीं की गई हैं, कुछ विशेष चुनिंदा ट्रेडें ही हैं जिनमें आपका ये MMTM यानी मिल राइट ट्रेड का भी उसमें नाम आता है, यानी आप इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद लोको पायलट भी बन सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में आपका जॉब टाइटल क्या होगा, किस प्रकार की आपको जॉब लगती है, किस पोस्ट की जॉब लगती है? तो दोस्तों, MMTM यानी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस से आईटीआई करने के बाद आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो अथवा प्राइवेट सेक्टर का हो। आपकी जो जॉब लगती है वो पोस्ट मैकेनिक मेंटेनेंस की भी हो सकती है, आपकी पोस्ट फिटर मैकेनिक की भी हो सकती है, अथवा आप लोको पायलट की पोस्ट पे भी आप जॉब पा सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हाइड्रोलिक जो मैकेनिक होते हैं वो किसी भी ट्रेड, फिटर तो आपको मैकेनिक बन सकता है, लेकिन हाइड्रोलिक मैकेनिक बनने के लिए आपका जो है MMTM यानी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस होना जरूरी है। इसलिए हाइड्रोलिक मैकेनिक की जो पोस्ट होती है वहां भी आप जॉब पा सकते हैं। बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की अथवा प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी MMTM ट्रेड से आईडिया करने के बाद जॉब मिलती है तो कितनी सैलरी आपको वहाँ पे मिलती है। दोस्तों, सरकारी की बात करें तो सरकारी में जो आपका जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वो फिक्स है, चाहे आपकी MMTM ट्रेड हो, फिटर ट्रेड हो, वेल्डर ट्रेड हो, मशीनिस्ट ट्रेड हो, उनमें सभी ट्रेडों के लिए एक ही पोस्ट का निर्धारण किया गया है, वो है टेक्नीशियन पोस्ट। MMTM टेक्नीशियन, हाइड्रोलिक टेक्नीशियन, मशीन मेंटेनेंस टेक्नीशियन करके एक जो पोस्टें होती हैं, ज़्यादातर टेक्नीशियन नाम से ही होती है। तो वहाँ पे जो आपका ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी मिलती है, तो उसमें अगर आप प्रतिमाह के हिसाब से देखें तो 25,000 से 35,000 तक आपकी प्रतिमाह सैलरी स्टार्टिंग हो सकती है। वहीं ये सैलरी बढ़ते बढ़ते आपकी 80-90,000 प्रतिमाह तक भी हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी जो स्टार्टिंग होती है 12,000 या 13,000 से स्टार्टिंग होती है। वहाँ भी अगर आप कंटिन्यूअस जॉब करते रहेंगे तो लगभग 60-65,000 रुपये आपकी प्रतिमाह सैलरी हो सकती है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि इस ट्रेड की विदेश यानी फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, इन कंट्रियों में भी इस ट्रेड से आईडी करने वालों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप विदेश भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लगभग 80,000 से 1.5 लाख तक की आपको प्रतिमाह के हिसाब से सैलरी मिल सकती है अगर आप फॉरेन कंट्री जाएंगे तो। दोस्तों, अगर आप लास्ट तक आ ही गए तो आपको टिप दे देता हूँ, इन लोगों को MMTM यानी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस ट्रेड से आईडी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आपको इस ट्रेड से आईडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह ट्रेड बहुत ही हार्ड वर्किंग ट्रेड है। मशीनों को बनाना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है काफ़ी टाइम तक, और ऊपर नीचे चढ़ना पड़ सकता है, क्रेन के ऊपर चढ़ना पड़ सकता है। तो अगर आप इसमें सक्षम नहीं हैं तो आप इस ट्रेड से आईडी ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, कार्य के प्रति इसमें समर्पण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि लगातार कंटिन्यूस काम कभी कभार पड़ता है। तो कार्य के प्रति आपका अगर समर्पण नहीं है तब भी आप इस ट्रेड से आईडी न कीजिएगा। तीसरा दोस्तों, कि अगर आप में निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, आप किसी भी कार्य को करने की आपकी क्षमता नहीं है, यानी आपका जो मन है बार बार विचलित हो जाता है कभी हार्ड वर्क को देख करके कि यार बहुत ज़्यादा काम है कैसे करेंगे इसको, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो स्ट्रेट से आईटीआई नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका
बहुत ऐसा काम होता है कि तेल के अंदर आपको हाथ डालना पड़ सकता है, मशीनें चल रही हैं, मशीनें बनाना है उनमें, तो कोयले वोले भी लग जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा काम मैं नहीं कर सकता हूं, तो आपको स्टेट से आईटीआई नहीं करनी चाहिए। लास्ट दोस्तों, बेसिक रूप से अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आपको इस स्टेट से आईटीआई नहीं करनी चाहिए। वैसे तो अब आईटीआई के अंतर्गत ही आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमें जो है लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।